आज हम डिस्कस करेंगे प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में जितने भी सारे हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं और जिस भी लेक्चर में हमने बियरिंग कैपेसिटी निकाली है सॉइल की, वो सारे जो मेथड्स थे वो सारे एनालिटिकल अप्रोच थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेरे फील्ड्स टेस्ट, मतलब बियरिंग कैपेसिटी हम फील्ड में कैसे निकालते हैं वो चीज हम देखेंगे। तो फील्ड टेस्ट में हम तीन तरीके से हम लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं सॉइल की। पहला है प्लेट लोड टेस्ट, दूसरा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट स्टैटिक, और तीसरा है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। ये सारी चीज जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्लेट लोड टेस्ट। तो आइए देखते हैं प्लेट लोड टेस्ट क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसको कैसे करते हैं हम फील्ड में। तो आपको एक फिगर देख रहा होगा जो हमने पहले से इसको बना के रखा है। तो देखिए इस फिगर में क्या है, इस फिगर में ये मेरे सारे ग्राउंड, यहां तक पहले मेरे यहां भी हमें ये प्लेट लोड टेस्ट करना है। जिस जगह में हमें सॉइल की टेस्ट करनी होती है, वहां की बियरिंग कैपेसिटी निकालनी होती है, वहां हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। क्या क्यों? सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। तो जिस जगह में हम लोग सॉइल की टेस्ट करते हैं, ये तो पूरे क्या होगी, पूरे ग्राउंड सरफेस होगी। तो हमने क्या किया, जहां पे बियरिंग कैपेसिटी निकालनी थी तो वहां पे हमने क्या किया, गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने मतलब क्या हुआ कि इसको हमने एक ट्रेंच बनाया, ट्रेंच बोले या फिर इसमें क्या किया हमने, एक पिट बनाया। अब इसकी शेप और साइज क्या होगी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरी बात ये कि ये टेस्ट हम लोग जो करते हैं, ये टेस्ट हम लोग करने के लिए हम लोग एक बेस प्लेट लेते हैं। वो बेस प्लेट जो होती है वो स्टील की हो सकती है, जिसकी साइज जो है 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, इतनी साइज की होती है बेस प्लेट। चलिए ये तो बेस प्लेट हो गई। ये बेस प्लेट को हम लोग कंसिडर किए, सपोज दैट ये मेरे बेस प्लेट जो है 30 सेंटीमीटर की हुई, तो आपकी जो फुटिंग का जो हम लोग जो ट्रेंच बनाया है, ये ट्रेंच का जो विड्थ होगा वो, जैसे हमने 30 सेंटीमीटर लिया तो ये ट्रेंच लगभग 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये कि अगर ये आपको विड्थ ऑफ प्लेट, मतलब P4 प्लेट, B4 विड्थ, ये आपका बेस प्लेट है आपको, तो इस ये अगर बीपी है तो ये हो क्या जो होना चाहिए, ये जो विड्थ होना चाहिए, ये पूरा जो विड्थ होना चाहिए, ये आपको 5 टाइम्स ऑफ बीपी से कम नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो आपकी विड्थ की बात हो गई। अब बात करते हैं ये लेंथ कितना होगा। चलिए ये लेंथ उतना होगा जितने डेप्थ पे हमको फाउंडेशन तैयार करना है, तो उतनी डेप्थ पे हमें क्या होना चाहिए मेरा, हम उतनी डेप्थ पे जाकर के हम सॉइल का टेस्ट करेंगे। सपोज दैट ये 2 मीटर डेप्थ पे जाके हमें फुटिंग का फाउंडेशन देना है, तो 2 मीटर डेप्थ पे जाकर के ही हम क्या करते हैं, बेस प्लेट लगाते हैं और सारा सेटअप तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पता चल गया कि जितना डेप्थ के अंदर हम सॉइल को टेस्ट करने वाले हैं, तो जितना डेप्थ के अंदर हम जाकर के अपनी फुटिंग बनाने वाले हैं, वहां पे जाके हम सॉइल का टेस्ट करेंगे। और ये जो पूरी विड्थ होगी, ये बेस प्लेट, अगर सपोज बेस प्लेट हमने लिया 30 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा 150 सेंटीमीटर होगा। दूसरी चीज मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी फाउंडेशन आपका विड्थ, फाउंडेशन का शेप कैसा है, अगर आपका शेप स्क्वायर फुटिंग है तो आप स्क्वायर प्लेट ले सकते हैं, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ले सकते हैं, सर्कुलर है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप सर्कुलर ही बेस प्लेट ले। ये बेस प्लेट हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग टेस्ट करते कैसे हैं। इस टेस्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने क्या है, एक लोडिंग जैक लगा है। ठीक है, यहां से हमने क्या करता है, ये लोडिंग से हमने क्या किया, इस लोडिंग से हमने इस पे ऊपर लोड लगाना शुरू किया। जैसे हमने लोड लगाना शुरू किया, ये एक डायल गोज है, इस डायल गोज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये डायल गोज आपको लग रहा होगा इस डायल गोज 2 है, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 3 है, जो एक इसके पीछे है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। अब क्यों 3 है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए तो लोडिंग जैक से हमने क्या किया, अगर ये अवेलेबल है तो लोडिंग जैक से हमने क्या किया, यहाँ पे लोड लगाना शुरू किया, और इस लोड से क्या हुआ, इस डायल गेज में हमारी रीडिंग आनी शुरू हुई। बात करते हैं ये 3 2 डायल गेज आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक पीछे है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 3 डायल गेज हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखिए एक्चुअली में 3 डायल गेज हम लोग यूज इसलिए करते हैं, जो सॉइल जो है हमारा वो होमोजिनियस प्रॉपर्टी नहीं है। सपोज मान लीजिए आपने एक डायल गेज यूज किया और आपने लोड लगाना शुरू किया, और लोड लगाने के बाद ऐसा पता हुआ कि इस साइड आपका ज्यादा सेटलमेंट हुआ और उस साइड सेटलमेंट ही नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा कि मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन 3 डायल गोज यूज करते हैं, और उसका जो एंगल होता है, रिलेटिव एंगल होता है, वो एंगल होता है, ये ध्यान रखने की चीज है, ये 120 डिग्री होता है, ये आप याद रखिए, ये कितना होती है 120। ये 3 जो डायल गोज है, इन डायल गोज का जो रिलेटिव एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री, क्योंकि सर्कल क्या होती है, सर्कल क्या 360 डिग्री सर्कल होती है, और एक डायल गोज हमने जो लगाया वो
120 डिग्री के रिलेटिव एंगल पे हमने तीन डायलोगोज लगाया, और जब भी हम लोड अप्लाई किए इन तीन डायलोगोजों पे क्या होगा, मेरा रीडिंग आएगा, और रीडिंग आने के बाद इन तीनों डायलोगोज को हम एवरेज लेंगे, इस एवरेज से मेरा क्या होगा सेटलमेंट पता चलेगा। चलिए ठीक है, अब अगर मेरे फील्ड में हमारे लोडिंग जैक लगाने की मतलब सुविधा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग हमारे फील्ड में क्या होता है सीमेंट्स के बैग होते हैं सीमेंट्स बैग, उसमें क्या करते हैं हम लोग रेत भरना शुरू करते हैं, और उस रेत को भरते समय हम लोग उस सीमेंट बैग का वेट लेते हैं, और उस वेट को हम लोग ये जो गर्डर है इस गर्डर में लगाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमने क्या किया, इस गर्डर में सीमेंट के बैग रखे तो हमारा सेटलमेंट आना शुरू हुआ, इस बैग को रखते गए हमारा सेटलमेंट आता शुरू हुआ। हम उस बैग को तब तक रखेंगे जब तक मेरा एक ज्यादा अचानक सडन क्या हो जाए, ज्यादा सेटलमेंट ना हो मतलब मिल जाए, तब तक हम लोग उसमें लोड लगाते रहेंगे। तो क्या किया हमने, एक सीमेंट्स के बैग को, जैसे हमने सपोज ये वेग मेरा 50 केजी के है, और नंबर ऑफ बैग्स से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो मेरा टोटल वेट आ जाएगा, और टोटल वेट को अप्लाई करेंगे तो और पर यूनिट एरिया से मेरा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स क्या किए यहाँ पे लगाना शुरू किए, और इस बैग से क्या हुआ हमारा यहाँ पे इस डायलगोज जो तीन डायलगोज है यहाँ से हमारा क्या होता है ये लीडिंग आना शुरू होता है, और वहां से हम लोग क्या निकालते हैं इस प्लेट का, इस बेस प्लेट का हम लोग क्या निकालते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस डायल गोज को हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे, कि हमको पता कैसे चलेगा कि फुटिंग का बियरिंग कैपेसिटी कितना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं हम इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो एक ग्राफ हम अर्थमेटिक स्केल पे लेते हैं, जिसमें हम लोग ये जो एक्स एक्सिस है इस एक्सिस में हम प्रेशर क्यू अपॉन ये क्यू जो लोड हमने अप्लाई किया, और ये जो है एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का एरिया, तो मेरा क्या आया यहाँ प्रेशर आ गया, और सेटलमेंट के बीच में एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, ये मेरा सेटलमेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने देखा जैसे हमने लोड अप्लाई किया, ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया जो मेरा लोड है और पर यूनिट एरिया पे हमने क्या किया एक प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट किया, और ये मेरा सेटलमेंट, ये सेटलमेंट मेरा कहां से आया, जैसे हमने लोड लगाना शुरू किया ये तीन जो डायलगोज देख रहे हैं इन तीन डायलगोजों में क्या हुआ आपको सेटलमेंट पता चला, और इन तीनों डायलगोजों को हम एवरेज लेंगे तो हमें पता चला कि सपोज दैट ये मेरा एक प्वाइंट आया, हमने यहां से ग्राफ को प्लॉट करना शुरू किया, प्वाइंट आया जैसे लोड अप्लाई किया सेटलमेंट हमें मिलता गया, सेटलमेंट मिलता गया तब तक हम डालेंगे जब तक यहाँ सडन कोई ज्यादा सेटलमेंट ना मिल जाए, और इस लाइन को हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट जैसे यहां पे मेरा क्या सडन चेंज हुआ ग्राफ में, तो इस पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा ये मेरा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकल जाएगा प्लेट का। ओके, ये मेरा प्लेट का निकल जाएगा। तो ये चीज कहां कब होती है, ये चीज होती है डेंस सॉइल में, जो डेंस सॉइल होगी स्टिफ सॉइल होगी इस तरह से हम लोग निकालते हैं, और ये जो निकलता है मेरा ये मेरा अर्थमेटिक स्केल पे निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले से बना के रखी है तो आपको समझने में आसानी होगी। ये लोड सेटलमेंट कर्व हम लोग, ये लोड सेटलमेंट कर्व है जो हम देखेंगे, जिसमें हमने क्या किया है कि इस सारे प्लॉट जो आपको हमने बताया कि जैसी लोड आएगी और सेटलमेंट आएगी हम एक एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे, और जब उसको हम जोड़ेंगे और जिस जगह हमें सडन चेंज मिलेगा वहां पे मेरा क्या होगा मतलब क्या होगा कि उसके नीचे जैसे ही हमने लोड लगाया मतलब वहां के नीचे की सॉइल क्या हो गई है शियर हो चुकी है, मतलब वहां से फेल होना शुरू हुआ है, मतलब आपकी जो बियरिंग कैपेसिटी है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो यहां है। ठीक है, तो ओके, यहां से हमने लोड लगाना शुरू किया ये तो यहां तक मेरा लीनियर आया, उसके बाद क्या हुआ सडन चेंज हुआ, मतलब ये जो चेंज होता है वो कैटेस्ट्रॉफिक होता है, मतलब बोले तो सडन चेंज होता है, मतलब सडन फेलियर होगा सॉइल का, और यहां से मेरा क्या हो जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकल जाएगी प्लेट की। ओके, ये किसमें होती है, ये जो फेनोमेना होती है ये डेंस सॉइल में होती है, स्टिफ सॉइल में होती है, और ओसीसी सॉइल में होती है। किसमें होती है, ओसीसी मतलब ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल में। ओके, जब हम देखें ये सारे चीज करते हैं हम लोग अर्थमेटिक स्केल में करते हैं, तो लूज फाइंड का हम लोग अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकाल देंगे ऐसे, तो लूज फाइल की अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ये प्रोग्रेसिव होती है, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ये इसमें पता ही नहीं चलता है कि ये मेरा अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है कहां, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है कहां, तो हमने ये अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी हमने इसको अप्रोक्सीमेट मान के चला गया कि ये मेरा अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी यहां हो। चलिए, अब ये हुआ कि लूज फाइल और सॉफ्ट फाइल को हम लोग एक्चुअल में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं इन सारे लोड को और सेटलमेंट को हम लोग सेमी लॉग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। जैसे हम सेमी लॉग ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां भी लॉग लेंगे और ये लॉग और सेटलमेंट का ग्राफ लेंगे, तो हम इसको ड्रॉ करना शुरू किया। ड्रॉ करने के बाद यहां से जिस पॉइंट पे ये सडन चेंज होगा मतलब क्या हो गया ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट आ गया। तो ये सारे किसमें है, ये लूज फाइल और लॉग लॉग स्केल में हम लोग
करते हैं, ये लूज सॉइल हो गया या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले हो गया, मतलब सॉफ्ट सॉइल में हो गया, ये सारी चीज हमें क्या होती है, हम लोग सेमी लॉक पेपर में निकालेंगे, और जो मेरा डेंस सॉइल होगा, स्टिफ सॉइल होगा, वो हम लोग निकालेंगे अर्थमेटिक स्केल में निकालेंगे, सिंपल ग्राफ पेपर जो हम लोग बचपन में यूज करते थे। ओके, अब जो हम लोग जो भी निकाल लें अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, वो निकाले हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसका, प्लेट का निकाले हैं। ओके, अब जो हमारी फुटिंग का जो साइज होगा, वो फुटिंग तो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर विड्थ की होगी, तो और हमने प्लेट जो लिया है वो 30 सेंटीमीटर लिया है। अब जो हमने निकाला है, क्या ये 100% सही है? कभी नहीं 100% सही हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो हमने जो निकाला है, क्या ये तो फिजूल है, फॉल्स है, फिर क्यों निकाल लिया हम इसको? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए, इसका यूज कैसे करेंगे आके देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, जो क्ले सॉइल होता है, क्ले सॉइल में क्या होता है, क्ले सॉइल में क्या होता है, क्ले सॉइल में फाइव की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। हमने पढ़ा था बेयरिंग कैपेसिटी में फाइव की वैल्यू जीरो होती है, तो एनक्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और एन गामा की वैल्यू जीरो होती है। मतलब क्या, जो भी क्ले सॉइल है वो फुटिंग के फाउंडेशन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब फुटिंग के साइज पे डिपेंड नहीं करता, फिटिंग की साइज क्या है वो क्ले उस पर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि जो भी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी प्लेट की होगी, वही अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, क्ले सॉइल की होगी। चलिए, इतना तो समझ में आया कि इन केस ऑफ लूज, इन केस ऑफ क्ले सॉइल, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द फुटिंग। चलिए, ये तो केस वन ऑफ क्ले सॉइल। अब हम बात करते हैं लूज सॉइल में, तो लूज सॉइल में हम लोग कैसे निकालते हैं, जबकि लूज सॉइल जो होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करता है। इन केस ऑफ सैंडी सॉइल अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ फुटिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीनियरली वेरिएशन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग डिवाइड बाय अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट जो हमने निकाला टेस्ट से, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन हमको पता होगा, विड्थ ऑफ द प्लेट हमने जो लिया है वो भी पता है, तो यहां से हम इंटरपोलेट, यहां से हम लोग मल्टीप्लाई क्यूएफ अल्टीमेट बेयरिंग ऑफ फुटिंग जो होगा क्यूपी अपन बीएफ अपन बीपी, बीएफ जो है आपको विड्थ ऑफ फुटिंग है और बीपी जो है आपको विड्थ ऑफ प्लेट है। ये क्या है, ये भी यूनिट जो होगी आपको किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है, तो ये आपको होगी क्या, अल्टीमेट बेयरिंग के वैसे फाउंडेशन। तो इस तरह से हम लोग सैंडी सॉइल में हम लोग फाउंडेशन फुटिंग का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जितनी भी सारी चीजें आपको हमने बताई है, वो सारी चीजों को हमने एक जगह नोट करके रखा है, आप उस चीज को वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, वो आपको हमने अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूं। देखिए, ये सारी चीजें हमने पहले से लिख के रखे हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप लोग उसको लिख सकते हैं। दिस मेथड वाज डिजाइन टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन विच इज यूज टू डिजाइन ऑफ पेवमेंट। ये सारे जो टेस्ट है पेवमेंट के डिजाइन में हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर है। दिस मेथड कैन बी यूज टू एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन शियर क्राइटेरिया एंड अलावल प्रेशर बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया। जो हमने टेस्ट किया वो शियर क्राइटेरिया पे, जहां पे शियर फेल हुआ वहां से हमें क्या हुआ, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट का चला गया। इस टेस्ट को करने के लिए ए पिट ए ट्रेंच ऑफ साइज नॉट लेस देन 5 times द साइज ऑफ द बेस प्लेट इज प्रिपेयर्ड। हमने बताया आपको लास्ट में कि जो बेस प्लेट जो है वो जो ट्रेंच जो पिट जो साइज है वो 5 times से छोटा नहीं होना चाहिए। ए बेस प्लेट इज रेक्टेंगुलर स्क्वायर सर्कुलर शेप ऑफ साइज 30 centimeter, 45 centimeter, 60 centimeter, 90 centimeter कैन बी यूज। 3 dial gauges आर अटैच्ड 120 degree ईच टू मेजर द सेटलमेंट एंड एवरेज सेटलमेंट इज टेकन। जो भी सेटलमेंट आएगा उसका हम लोग क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, उस एवरेज को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और जहां पे सडन चेंज होगा वहां पे मेरा क्या होगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का प्लेट निकलेगा। ओके, द लोड इज अप्लाइड थ्रू द जैकिंग मैकेनिज्म एंड लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड। हमने बताया अगर जैक नहीं हो तो हम लोग सीमेंट का बोरा यूज करते हैं। ठीक है, द प्रेशर क्यू बाई ए इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड सेटलमेंट इज टेकन ऑन द वर्टिकल एक्सिस। बताया, पहले बता दिया आपको, सारे ग्राफ में बता दिया है, हमने सारी चीज को बता दिया आपको, हमने एक जगह लिख कर दे दिया है कि समझने में आपको आसानी होगी। ओके, द सीयर फेलियर अकर्स व्हेन प्लेट स्टार्ट्स सेटिंग सडनली विद द हाई रेट इन द केस ऑफ डेंस सॉइल वेयर एज द फेलियर सेटलमेंट इज प्रोग्रेसिव इन द केस ऑफ लूज सॉइल। हमने बताया आपको कि लूज सॉइल में जो होती है, लूज सॉइल में जो होती है ये मेरा प्रोग्रेसिव होती है। ओके, जहां पर हमको पता ही नहीं चलता कि मेरा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग कहां ड्रॉ करते हैं, सेमी लॉग पेपर में ड्रॉ करते हैं। ओके, To find the failure in the loose sand, log settlement curve can be plotted on a log scale. Okay, ये सारी चीजों को हमने एक जगह notes कर दिया है, हमने एक बार पढ़ भी दिया है, आप 2 मिनट वीडियो को pause करके इन सारी चीजों को अच्छे से notes में बना सकते हैं और अच्छे से paper भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसके जो next जो video होंगे मेरे हमारे वो भी प्लेट लोड टेस्ट पे ही होंगे, इसके जो भी कुछ बच गए हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।